नमस्कार, ये स्टेट्स मिरर न्यूज हिंदी फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक में 5 और 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद लगभग 2 लाख युवा मतदाताओं सहित 16,04,285 लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में 10 जवानों की मौत हो गई। असैन्य चालक की भी मौत। जिला रिजर्व गार्ड की टीम एक गुप्त सूचना पर शुरू किए गए एक नक्सल विरोधी अभियान से लौट रही थी, जब उनके वाहन को 50 किलो विस्फोटक से भरे एक IED से उड़ा दिया गया। मंड्या से पदार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदि चुनचनगिरी मठ के साथ उनके संबंधों को देखते हुए वक्कलिगा गढ़ के माध्यम से प्रवेश महत्वपूर्ण है। आर कृष्ण कुमार मैसूर भाजपा ने फिर से मंडिया के वक्कलिगा गढ़ में पैठ बनाने के लिए अपनी गंभीरता दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मंडिया में एक रोड शो और एक सार्वजनिक रैली के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कर्नाटक में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। बीजेपी ने पार्टी के चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए 2 दिवसीय अभियान में हिस्सा लिया। अभियान को तेज करने के लिए पार्टी द्वारा मंगलवार से शुरू किए गए 2 दिवसीय मेगा अभियान के तहत कर्नाटका के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा के 98 केंद्रीय नेताओं ने पार्टी के लिए तेज प्रचार अभियान चलाया। साइबर क्राइम पुलिस ने वोटर डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के विज्ञापन दाताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। दक्षिण पूर्व डिवीजन साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवारों के साथ वोटर डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का विज्ञापन कर रहे थे। अलकोड हनुमंतप्पा JDS के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मंगलवार को बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री अलकोड हनुमंतप्पा को JDS का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CM की उपस्थिति में क्षेत्रीय दल में शामिल हुए। इब्राहिम और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी श्री कुमारस्वामी ने कहा कि ये श्री हनुमंतप्पा के लिए घर आगमन जैसा था। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बुधवार को तुमकुर में और नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।